हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का सम और डिफरेंस लर्न करने जा रहे हैं। तो साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कोसाइन सी माइनस डी बाई 2। साइन सी माइनस साइन डी 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। कॉस सी प्लस कॉस डी कोसाइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कोसाइन सी माइनस डी बाई 2। और कोसाइन माइनस कोसाइन डी होता है माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। यहाँ पे माइनस है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। या इसी को आप लिख सकते हैं 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। तो इस फॉर्मूले का मैं डेरिवेशन आपको बता देता हूं, बाकी फॉर्मूलों का डेरिवेशन वैसे ही आप कर सकते हैं। अगर सी की जगह पर मैं ले लूं ए प्लस बी और D की जगह पे मैं ले लूँ A माइनस बी, C की जगह पे A प्लस बी और D की जगह पे A माइनस बी, तो साइन C प्लस साइन D क्या बन जाएगा? साइन C प्लस साइन D बन जाएगा साइन A प्लस बी प्लस साइन A माइनस बी। और साइन A प्लस बी हम जानते हैं क्या होता है, साइन A प्लस बी क्या होता है? साइन A कॉस बी प्लस कॉस A साइन बी। और साइन A माइनस बी क्या होता है? साइन A कॉस बी माइनस कॉस A साइन बी। तो ये आ जाएगा 2 साइन ए कोसाइन बी। अब हमको ये सी और डी है, यहाँ पे ए और बी है, सारा फार्मूला हम सी और डी के टर्म्स में लाना चाहते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सी को हमने ए प्लस बी लिया हुआ था और डी को ए माइनस बी लिया हुआ था, तो सी प्लस डी क्या आएगा? 2a। और सी माइनस डी क्या आएगा? सी माइनस डी 2b आएगा। तो ए क्या आ जाएगा? सी प्लस डी बाई 2। और बी कितना आ जाएगा? सी माइनस डी बाई 2। तो आपको क्या मिल जाएगा? 2 साइन C प्लस डी बाई 2 इंटू कोसाइन सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, उसी तरीके से आप बाकी फॉर्मूलोज का भी डेरिवेशन आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।